नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आईपीओ ग्रे मार्केट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जब से एसबीआई का आईपीओ न्यूज़ में आया तब से ये टर्म अक्सर सुनने को मिल रहा है कि एसबीआई कार्ड का जो आईपीओ है वो ग्रे मार्केट में 40% प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। इसीलिए ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो ये ग्रे मार्केट क्या है, आज हम लोग इसी का ऊपर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे ग्रे मार्केट क्या है और इससे जुड़ा हुआ कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम, कोस्टैक, ये सब हम लोग एग्जाम्पल के मदद से अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव और आपका अपना चैनल अपडेक्स में स्वागत करता हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना और साथ में ये बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, ग्रे मार्केट का डेफिनेशन क्या है। आईपीओ ग्रे मार्केट इज एन अनऑफिशियल मार्केट वेयर आईपीओ एप्लीकेशंस और शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड बिफोर दे बिकम ऑफिशियली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये एक अनऑफिशियल मार्केट होता है जहाँ पर आईपीओ एप्लीकेशंस और शेयर्स, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ये दोनों ट्रेड होते हैं यहाँ पर बिफोर लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक अनऑफिशियल मार्केट है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, ये एक इलीगल मार्केट है जहाँ पर आईपीओ एप्लीकेशंस और शेयर्स ट्रेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक अनऑफिशियल मार्केट है, यहाँ पर एक मेडिएटर रहता है जिसके द्वारा आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। जनरली ये जो मेडिएटर होता है, ये दोनों पार्टी का बीच में अच्छा जान पहचान होता है। जो बायर होता है उससे भी अच्छा जान पहचान रखता है और जो सेलर होता है उससे भी अच्छा जान पहचान होते हैं, और इसको आप ओवर द काउंटर मार्केट भी बोल सकते हो। तो मेनली ये एक इलीगल मार्केट है। ठीक है, आईपीओ लिस्टिंग होने से पहले जहाँ पर एप्लीकेशंस और शेयर्स ट्रेड होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया ग्रे मार्केट क्या है। अभी देखिए, क्योंकि ये एक अनऑफिशियल मार्केट होता है, इसका कोई रेगुलेटर नहीं होता है। ठीक है, मार्केट रेगुलेटर जैसे सेबी हुआ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये सेबी रेगुलेट नहीं करते हैं क्योंकि ये इलीगल मार्केट है। ठीक है, रेगुलेटर नहीं है इसलिए यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं रहेगा, जैसे बीएसई हो गया या एनएसई हो गया, ये सब आपको नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको ब्रोकर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ग्रे मार्केट होता है, यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं। नंबर वन, ट्रेडिंग आईपीओ एप्लीकेशंस एट सर्टेन रेट, जिसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आईपीओ एप्लीकेशंस का भी ट्रेड होता है और यहाँ पर आईपीओ शेयर्स भी ट्रेड होते हैं। एप्लीकेशंस और शेयर्स, ये दोनों जैसे मैं बताया, ये अलग अलग चीज़ है। मान लो आपने 1 लाख रुपए का आईपीओ अप्लाई किया है। ठीक है, 1 लाख, तो आपको ये अलॉट होने से ही आप इसको ट्रेड कर सकते हो, है कि नहीं? अगर अलॉट में नहीं हुआ तो आप नहीं ट्रेड कर सकते। तो ये एप्लीकेशन जो है, 1 लाख का एप्लीकेशन, 1 लाख अमाउंट का एप्लीकेशन, इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो ग्रे मार्केट में। ठीक है, और शेयर्स को तो ट्रेड कर ही सकते हो। और आईपीओ ग्रे मार्केट में बहुत ही पॉपुलर टर्म जो है वो है, दो टर्म्स है, एक है ग्रे मार्केट प्रीमियम और दूसरा है कोस्टैक। तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और कोस्टैक क्या है, इसको हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो इट इज़ द प्रीमियम अमाउंट इन रुपीज एट विच आईपीओ शेयर्स आर बीइंग ट्रेडेड इन ग्रे मार्केट बिफोर दे गेट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। जितना प्रीमियम में ये ग्रे मार्केट में ट्रेड होता है उसी को ग्रे मार्केट प्रीमियम बोलते हैं। ये भी सिंपल है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छी तरीके से जान लेते हैं। मान लो कोई भी एक कंपनी है एबीसी, और इसका इशू प्राइस मान लो 100 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, और ग्रे मार्केट प्रीमियम है 50 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रे मार्केट में जो आईपीओ बायर है वो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं या देने के लिए राजी है। तो इसी को
ग्रे मार्केट प्रीमियम बोलते हैं. दिस मीन्स बायर्स आर रेडी टू बाय एबीसी कंपनी शेयर्स एट रुपीज़ 150. तो ये जो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया इसी को ग्रे मार्केट प्रीमियम बोलते हैं या GMP बोलते हैं. सिंपल है कि नहीं. अभी ये कोस्टैक क्या है, कोस्टैक भी जान लेते हैं. ये थोड़ा सा ट्रिकी है. कोस्टैक और प्राइस ऑफ एप्लीकेशन इज द प्रीमियम अमाउंट इन रुपीस एट विच IPO एप्लीकेशंस आर बीइंग ट्रेडेड इन द IPO ग्रे मार्केट. पहले जो IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो शेयर्स का ऊपर था और ये है एप्लीकेशंस का ऊपर. ये कोस्टैक अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन का प्राइस होता है, नॉट द शेयर प्राइस. ठीक है, तो ये यहाँ पर आप ये चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा. तो यहाँ पर मैं फिर से एक एग्जांपल दूंगा. सेम कंपनी मान लेते हैं, ABC कंपनी. तो इशू प्राइस 100 रुपीज़ है और ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 रुपीज़ है, मतलब 150 बायर देने के लिए राजी है. ठीक है, और कोस्टैक है 5000 रुपीज़, मतलब 1 लाख का जो एप्लीकेशन है उसको किसी ने 5000 देने के लिए भी राजी है, मतलब जो एप्लीकेशन. तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एक इन्वेस्टर है, मान लो ए इन्वेस्टर है, ठीक है, और एक इन्वेस्टर है बी. ये जो इन्वेस्टर है इन्होंने अप्लाई किया IPO के लिए, इसको मिलेगा कि नहीं वो ये नहीं जानते हैं. ठीक है, और बी जो है वो ये एक ट्रेडर है लेकिन इसको IPO चाहिए और इसे भी पता है मैं अप्लाई करने से नहीं भी मिल सकता है लेकिन इसको चाहिए. तो ये क्या करेगा, जो ग्रे मार्केट है वहाँ से ये IPO खरीद लेगा. तो कैसे खरीदेगा, मान लो ए ने 1 लाख रुपीज़ का IPO अप्लाई किया है. ठीक है, इसको मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, मतलब अलॉटमेंट नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो ये क्या किया, ये मालूम है ये ग्रे मार्केट में 50 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है तो इसका लिस्टिंग ज़बरदस्त होगा. फिर भी ये रिस्क नहीं लेके क्या करेगा, मैं 1 लाख का जो अप्लाई किया है IPO उसको मैं बेच डालूंगा, उसके लिए मुझे 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा. अगर अलॉटमेंट हुआ फिर भी देना पड़ेगा, नहीं होने से भी देना पड़ेगा. और जो बायर है वो भी इसको देने के लिए राजी है क्योंकि इसको अगर 1 लाख का अलॉटमेंट मिल गया तो कितना मुनाफा मिलेगा. देखिए यहाँ पर 50,000 का मुनाफा मिल जाएगा, तो ये 5,000 देने के लिए कोई संकोच नहीं करेगा, है कि नहीं. तो इसी को कोस्टैक अमाउंट बोलते हैं. ये एप्लीकेशन का प्राइस है, नॉट द शेयर प्राइस. ठीक है, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे तो फिर ये कोस्टैक अमाउंट लेके इसको सेल करना ही ठीक रहेगा, है कि नहीं. बहुत आसान है और रिस्क फ्री है. मिलने से भी आपको 5000 मिलेगा और नहीं मिलने से भी आपको 5000 रुपीज़ मिलेगा, इतना टेंशन कौन लेगा. अभी ट्रिकीएस्ट पार्ट देखिए, इसको मैं ट्रैप बोला. मान लो सेम कंपनी ABC है, इशू प्राइस 100 रुपीज़ है, लिस्टेड प्राइस मान लो 150 में ये लिस्ट हो गया. तो लिस्टिंग गेन इसका कितना होगा, जिसको अलॉटमेंट मिला 50,000. 100 रुपीज़ पर शेयर, 1 लाख का कितना अमाउंट मिलेगा, 1000 शेयर्स. ठीक है, तो एक में 50 रुपीज़ मिल रहा है तो 1000 शेयर्स में 50,000. बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है. अभी ग्रे मार्केट में अगर ये कोस्टैक लेके इसको सेल किया तो फिर बायर को कितना देना पड़ेगा, 45,000 रुपीज़ देना पड़ेगा. ये कैश में देना पड़ेगा क्योंकि ग्रे मार्केट एक इल्लीगल मार्केट है, यहाँ पर आपको कैश ट्रांजैक्शन ही करना पड़ता है. तो 50,000 का लिस्टिंग गेन हुआ था क्योंकि आपका अकाउंट में आएगा, डीमैट अकाउंट में, और ये शेयर्स आपको जो बायर है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसका ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. ठीक है, आपने पहले से ही 5,000 लेके रखा है तो ये जो गेन होगा अभी 45,000 रुपीज़, ये बायर को गेन होगा, आपको नहीं होगा क्योंकि आपने पहले ही 5,000 लेके रख दिया है. ठीक है, तो आपको मुनाफा मिल रहा है कि नहीं. अभी ये ट्रैप क्या है वो देखिए, हमने सिर्फ इसका पॉजिटिव साइड ही देखा, अभी हम लोग टैक्स कैलकुलेशन नहीं किया. आपको तो लिस्टिंग गेन हुआ है ना 50,000, तो इसका भी टैक्स भी भरना पड़ेगा. तो टैक्स कितना होगा, मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 15% है, तो लिस्टिंग गेन 50,000 का 15% कितना होगा,
टैक्स होगा आपका 7500। ये टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो सेलर है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने पहले से ही कोस्टैक कितना लिया, 5000, लेकिन टैक्स कितना दिया, 7500। तो यहाँ पर आपको लॉस कितना हो रहा है, एक्चुअल में आपको 2500 का लॉस हो रहा है। इसलिए देखने में ये जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। अगर लिस्टिंग बहुत ज़बरदस्त होता है, जो आईपीओ सेल करता है कोस्टैक लेके, उसको लॉस भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ग्रे मार्केट क्या है और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।